उन्होंने कहा हेरा की एंट्री बंद है, लॉक किया हुआ उन्होंने। था इस साइड से, इधर था शायद, तो रुक जाओ जरा। इसकी तो बैक क्लास ये ना आगे से मुझे सुना दे। यू इडियट, जो मेरी फ्रेंड है उसको ब्लॉग का मैंने बोला ब्लॉग बना रहे, वो अपनी डायरेक्शन दे रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरा फैसल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज मैं अपना होटल दिखाने वाली हूँ पूरा, जो कि मैंने खुद भी नहीं देखा पूरा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और हम अभी होटल की तरफ ही जा रहे हैं, तो मैं तुम लोगों को जाकर अपना होटल का व्यू कराती हूँ। सो दिस इज़ द एंट्रेंस, अब हम अंदर जाएंगे इधर से। टाडा, इसकी लॉबी है। फिर तुम लोग होटल घुमाने से पहले खुद दिखा दूंगी यहाँ पे है क्या क्या, ताकि ये ना मैं खुद घूम जाऊँ, मुझे पता ना चले। सारे रेस्टोरेंट्स हैं ऊपर, ठीक है। हम ऊपर जाएंगे पहले, देखेंगे है क्या, कुछ अच्छा ही लग रहा है। तो भैया अब हम जा रहे हैं ऊपर, देखते हैं पहली दफ़ा खुद भी किधर है क्या, ठीक है। मैंने अभी खुद एक्सप्लोर नहीं किया। ओके, दिस इज समथिंग लाइक दिस। बाहर भी कुछ है, बाहर काफ़ी ज़्यादा है। जुम्मा जुम्मा चार दिन हो गए मुझे इस होटल में आए हुए। ओके, यहाँ पे कुछ बैठने की जगह भी है, मतलब आप रात को आके आराम से यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग दो लोग हो तो यू गाइस कैन सिट हियर और आराम से बैठ के बातचीत कर सकते हो, ठीक है। अच्छा कॉर्नर है, आप यहाँ पे भी तकिया इकलाम हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ना समझ नहीं आ रही है पुल। ओके, ये वाली जगह भी अच्छी है, पुल लिखा हुआ है ना। अभी खुल क्यों नहीं रहा फिर ये? उन्होंने कहा हेरा की एंट्री बंद है, लॉक किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। वो भी लॉक किया हुआ है, मुझे लगता है सिर्फ रात में खोलते हैं। यहाँ पे शायद खाना शाना चल रहा है, बुफे सिस्टम है। यस, यहाँ पे खाना शाना चल रहा है। मुझे बुलाने लगी थी, वेलकम, मैंने खाना खा के आई हूँ, अभी ब्रेकफास्ट किया है। आगे देखते हैं, वहाँ बाहर का नज़ारा ऐसे ही ले लो, बाहर जाने ही नहीं हो। उन्होंने कहा हेरा की वहाँ पर एंट्री नहीं है, ठीक है। इधर भी कुछ है और इधर भी कुछ है, आई थिंक ये वॉशरूम्स वाली साइड पे आ गई हूँ मैं। हाँ, ये वॉशरूम है भाई, इसका क्या दिखाना है भाई, वॉशरूम वॉशरूम होता है, ठीक है। आगे भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हैं। अब मैं चलती हूँ वो वाले एरिया में जहाँ पर मेरा रूम है, इसलिए मुझे वापस नीचे जाना पड़ेगा, मेरा 8th फ्लोर पे है। तो कुछ इस तरह से, अगर आपने ये होटल ख़रीदना हो तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं बहुत अच्छा एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, ठीक है। देखिए गाड़ी यहाँ पे कितना प्यारा सा झूमर भी लगा हुआ है। अगर आपने ख़रीदना है तो मैं आपको बहुत मुनासिब रेट में दूँगी। ओके, पहले खुली हुई थी तो भाई वो पहले से ही वेट कर रही थी मेरा, अब मैं इसको बंद कैसे करूँ। अच्छा, लिफ्ट चलाने के लिए भी ना आपको आपके होटल का कार्ड पास होना ज़रूरी है, होटल का कह रही हूँ, रूम का, पागल हुई हूँ मैं, अकेले होना तो यही सब होता है। चल भाई लग जा अब। ओके, नाउ वी हैव 8th फ्लोर, 2 एक साथी भी आ गया है साथ, ठीक है। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, शायद उसको पता है कि उर्दू में बात कैसे करते हैं, शायद नहीं। अगर पता है तो उसको पता है कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, अगर नहीं तो भाई ठीक है। इट्स योर्स? नो, इट्स 8th, इट्स 8th। ओके, अभी लिफ्ट मेरे ऊपर बंद होने लगी थी,
तो भाई ये वो एरिया है जहाँ पे मेरा रूम है, मैं तुम लोगों को ऑपोजिट साइड पे लेके जा रही हूँ, उधर नहीं चलते जहाँ पे मेरा रूम है। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। भाई मैंने ग्लासेस ऐसे पागलों की तरह लगाई हुई हैं, यहाँ पे सन, यहाँ पे जितने भी सूरज है ना उनसे मुझे प्रॉब्लम है ना, क्योंकि यहाँ पे भी रूम्स हैं, यहाँ पे भी रूम्स हैं, यहाँ पे हाउस कीपिंग का कुछ चल रहा है सीन। चलो भाई वापस चलते हैं बैक टू आवर रूम। हल्का फुल्का होटल का विज़िट कराया आपको, मेरी फ्रेंड्स आती है ना तो वो जो दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ था ना मेरे लिए, हम उसमें जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ ऐसा क्या ख़ास है। वैसे तो बाहर का ही सारा सीन था तब कोई ख़ास नहीं था, बट चलेंगे। अभी हमें अपना रूम ढूंढ लेने दो। यहाँ पे गाइस पेंटिंग भी लगी हुई है, गाइस पेंटिंग देख लीजिए, इसलिए इस होटल का जो रेट है मैं आपसे ज़्यादा लूँगी, जबकि मैं महंगे दामों में फ़रोख्त करूँगी। हालांकि इस होटल में सिर्फ एक रूम है जो मेरा है, वो भी 5-6 दिन के लिए। सो देयर वी गो, बाकी का बाद में दिखाऊंगी, फिर रेस्ट करते हैं। तो गाइस मेरा रूम इतना गंदा हो रहा है, इतना गंदा हो रहा है, और अभी तक वो लोग रूम साफ करने नहीं आए। वो मुझे मिला था ना जरा भी, बस पूछ के आती हूँ उस भाई को कि मेरे से तुम्हें कोई ख़ास दुश्मनी है, मेरा कमरा गंदा पड़ा बाकियों को साफ करते फिर रहे हो, भी कंप्लेन करके आती हूँ। और कोई काम तो है नहीं, आज वेली हूँ एक्चुअली मैं, ना सोचा आज घूमे फिरेंगे बस। था रूम सर्विस वाला कहीं मुझे मिल जाए इसे। हाँ भाई तुझे सिर्फ मेरा कमरा मिला था ना साफ करने वाला, हालांकि सुबह 12 बजे का होता है, अब काफ़ी टाइम हो गया आया नहीं है। किस साइड पे था? इस साइड से इधर था शायद, रुक जाओ जरा, इसकी तो मैं क्लास ये ना आगे समझो सुना दे, यू इडियट। एक्सक्यूज मी रूम सर्विस, आई नीड रूम सर्विस इन 826 रूम। 826 यस, ओके ओके, कैन यू डू इट राइट नाउ? ओके, यू विल गो एंड यू इन द रूम। आई एम इन द रूम। ओके ओके, डन, थैंक यू। 826 यस, 826, मान गया भाई, आसान भाषा में मान गया। मैंने कहा आई नीड इट राइट नाउ, भाई पावर है हम में, क्या कह सकते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत गंदा रूम हो रहा है। कल का मैं ऊपर से गंदे भी बहुत मारती हूँ ना, ऊपर से अकेली हूँ, और कोई बहन होती तो शायद समेट समूट देती, ऐसे सब कुछ फेंका हुआ। वापस चलते हैं अपने कमरे में, और कोई मसला हुआ और किसी ने कोई गड़बड़ी की तो तुम लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो भाई आगे की अपडेट तुम लोगों को देना भूल गई थी, बिकॉज मैं जाके सो गई थी, और अभी फ्रेश भी हूँ, और हम फिर से खाना खाने निकले हैं। आप लोग भी सोच रहे हो यार ये खाना कितना ज़्यादा खाती है, तो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे यार मुझे पाकिस्तानी फूड की तलब हो रही है, सो हम अभी पाकिस्तानी फूड खाने जा रहे हैं इतनी दूर। तो यहाँ पे हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले हैं, मिंट रायता और साथ में ये है इमली की चटनी। ऑर्डर आने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही आएगा वैसे मेरे चिकन कढ़ाई एंड चिकन टिक्का और नान एंड ये सब चीज़ें मंगवाई हैं। हमारी रॉयल डिश आ चुकी है इस टाइम एंड वी गोना ट्राई दिस वन इज अफगानी फूड। जो मेरी फ्रेंड है उसको ब्लॉग का मैंने बोला ब्लॉग बना रहे, वो अपनी डायरेक्शन दे रही है। दिस वन इज अफगानी पुलाव, दिस वन इज बिहारी रोटी। हमारा कॉम्प्लीमेंट फूड के लिए दिखा रहा है, और ये हमारा काबली नान, शायद काबली नान ही कहते हैं। अभी हमारी कढ़ाई रहती है वो पेंडिंग है, वो आई थी खा के बताते हैं आपको। तो भाई हमने खाना शाना खा लिया है, अब हम घर जा रहे हैं, घर मतलब रूम में जा रहे हैं, मुझे घर कहने की आदत है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, और फिर मैं नए व्लॉग के साथ दोबारा आऊँगी। सो बाय बाय।